हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक है और आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे अभी। और जिनके पेपर अभी होने बाकी है, मैं उम्मीद करता हूँ उनका पेपर अच्छा हो। आज 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला सवाल जो है प्रोबेबिलिटी का है। और इसमें क्या बोल रहा है कि एक बैग ए है जिसमें 7 वाइट और 3 रेड बॉल है। बैग ए है उसमें 7 वाइट और 3 रेड बॉल्स है। बैग बी जो है उसमें 3 वाइट और 2 रेड बॉल्स है। और रैंडमली एक बैग से हमने बॉल चूज़ की और वो क्या आ रही है, रेड बॉल आ रही है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग ए से आई है। अब इस टाइप के सवाल में, ये तो स्कूल में भी है, इस टाइप के सवाल में आप देखिए, मतलब सिस्टमेटिक अगर बॉल निकाले तो पहले बैग चूज़ करना पड़ेगा, फिर बॉल आएगी। अब इसने पूछा क्या है कि बॉल जो आई है वो रेड आ गई, अब वो बैग ए से आई है। जब भी ऐसा किसी सवाल में रिवर्स जाने का सेंस आए या रिवर्स वे में प्रोबेबिलिटी पूछे, आप हमेशा बेयस थ्योरम के बारे में सोचिए। बेयस थ्योरम जो है वो इस तरह के रिवर्स प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल सा सवाल जो बेयस थ्योरम का है, जो कि स्कूल के लेवल का है। इसके अंदर देखिए, बैग ए जो है, बैग ए में दैट इज़ 7 वाइट और 3 रेड बॉल है। बैग जो बी है उसमें आपका कितना, 3 वाइट और 2 रेड बॉल है। अब बैग ए से रेड बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी कितनी है, 1/2 × 3/10। और बैग बी से रेड बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी कितनी है, दैट इज़ 1/2 × 2/5। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि हमारे पास रेड बॉल है, अगर ये बैग ए से आई है तो क्या प्रॉबिलिटी होगी। दिस विल बी 1/2 × 3/10 और डिवाइडेड बाई 1/2 × 3/10 प्लस दिस इज 1/2 × 2/5। 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4/7 × 3/7। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सिंपल सा सवाल है स्कूल लेवल का। बाकी इस पेपर को भी मैंने देखा पूरा, तो मुझे नज़र आया कि इस बार पेपर थोड़ा सा लेंदी था ये वाला, बट इसमें शुरुआत के सवाल आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चल जा भाई। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर ये पूछा है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर ये जो कि आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हैं ऐसा लिख सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, क्या बी क्रॉस ए माइनस बी और मोड का स्क्वायर, मतलब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो या तो दो बार लिख के डॉट कर दो, और अगर आपको याद है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दैट इज़ डायरेक्ट कैसे, बी क्रॉस ए एक वैक्टर ही है इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा वैक्टर बी है इसका स्क्वायर, माइनस का 2, और ये कितना आ जाएगा, बी क्रॉस ए डॉट बी। अब यहाँ पर देखिए, तो एस टी पे जिसमें दो वेक्टर क्या है सेम है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा या जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। और इसको सोल्व करिए तो दिस इज इक्वल्स टू 4, और ये भी कितना है, 4/8। अब देखिए, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, सवाल नंबर तीन जो है ये डोमेन का एक सिंपल सा सवाल है, बस हल्की सी कैलकुलेशन इसमें नज़र आएगी आपको। जैसे कोस इनवर्स कब डिफाइन होता है, ये कब डिफाइन होता है, तो इसके हिसाब से देखिए, 2x + 3 और अपॉन में कितना, 4x² - x - 3, 0 से बड़ा होना चाहिए। उसको भी देख लेते हैं, इसके हिसाब से क्या होगा, 2x + 1 अपॉन x + 2 <2> <1 और > -1। इस केस में देखिए कितना जाएगा, 4x + 3 डिवाइडेड बाय, और ये 1 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा था, x माइनस एक फैक्टर होगा x - 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, 4x + 3 > 0। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। 4x² - 3, ठीक है। नंबर लाइन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ -3/2, सबसे छोटा रूट ये, -3/4 और ये 1 ±। हमें 0 से बड़ा चाहिए, तो या तो 1 से बड़ा होना चाहिए और ये इसके बीच में होना चाहिए। तो इधर डोमेन के लिए ये वाला x का वैल्यू एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर देखें तो एक बार इसको सोल्व करिए तो एक बार इस माइनस वाले को देख लेते हैं। तो दिस इज़ 0 और ये कितना आ जाएगा, 2x + 1 अपॉन x + 2, और मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये x + 2 आ जाएगा, ठीक है, इधर भेज के -1 को, और दिस विल बी इक्वल टू 0 और ये कितना आ जाएगा, 3 तो कॉमन ले लिया, और x + 1 अपॉन में कितना है, x + 2, यहाँ पे ये -2 और ये -1 ±+। तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा,
दिस विल बी पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आएगा और यहाँ से ये वाला पार्ट आएगा इस केस में। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, तो इस वाले पार्ट को अगर सोल्व करें तो दिस विल बी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस x प्लस 2, ब्रेकेट लगा देते हैं, और ये अपॉन में लेस देन 1। यहाँ से कितना आएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू दिस इज 0, 1 को तो इधर भेज दिया, और यहाँ से कितना आएगा, x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा माइनस 2 से 1 तक। तो अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, वो बोल रहा है माइनस 2 से 1 तक, और ये बोल रहा है माइनस 2 से इधर और 1 से माइनस 1 से इधर, तो इसका और उसका इंटरसेक्शन ले तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 तक, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। और इधर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल इसमें होना चाहिए x, तो माइनस 1 जो है वो यहाँ पे होगा कहीं पे, तो माइनस 1 से 1 तक, और 1 पे यहाँ पे ओपन इंटरवल है आप देखिए, क्योंकि 1 पे नीचे 0 बन रहा है, तो ये बोल रहा है यहाँ माइनस, मतलब इसके हिसाब से ये इंटरवल है उसका कॉमन इंटरसेक्शन देखें तो क्या आएगा, माइनस 1 यहाँ पर 1 यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट आएगा जो कि तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो दिस फाइनल डोमेन विल बी माइनस का 3 बटे नहीं माइनस का 1, और दिस विल बी माइनस का 3/4, ये आ जाएगा, ये फाइनल डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, दिस इज 5 अल्फा माइनस का 4 बीटा, 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये अल्फा ये बीटा है, तो माइनस का 5 अल्फा, तो माइनस का 5 अल्फा, तो माइनस का 5 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 2, तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। मतलब इसमें सिंपली जो 11वीं क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, इनइक्वालिटीज़, उसका एक एलिमेंट्री सवाल है, बाकी ये कोस इनवर्स का आपको पता है, कैलकुलेशन से एलिमेंट्री है, बाकी सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो हर बच्चा कर सकता है जो भी अटेम्प्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे, सवाल नंबर 4 पे, अरे खुल जा बेटा, सवाल नंबर 4 में आप देखिए, यहाँ पर 4 बार एफ ऑफ एफ एक्स है, तो एफ ऑफ अगर एफ एक्स में फाइंड करूँ, पहली बात तो देखिए एफ एक्स ही देखते हैं, एफ एक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स कैन बी रिटन एज दिस इज एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 होल पावर 1/4, ऐसा कर सकता हूँ। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे तो ऐसा मैंने क्यों लिखा, मतलब कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, बट ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये सोचने वाली बात है। आप देखिए मैंने इसको क्या लिखा, एफ एक्स को ऐसा लिखा, एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 4 और होल पावर कितना है, 1/4 है, ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो बात करनी है ना वो 0 से इस तक करनी है, इस नंबर तक करनी है, और ये जो इंटरवल है वो पॉजिटिव एक्स का है। वैसे तो देखा जाए ना तो एक्स की पावर 4 का अगर मैं फोर्थ रूट लूँ तो ये मॉड एक्स आएगा, वैसे तो एक्स की पावर 4 का फोर्थ रूट अगर मैं लूँ तो वो सिंपली क्या आएगा, समझ आ रहा है, मतलब ऐसे जैसे स्क्वायर में ऐसे अगर हम लिखे एक्स स्क्वायर, तो ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और एक्स कर दिया, वो तो गलत हो जाएगा, ये बाहर क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको वापस ऐसे लिखूंगा, अब यहाँ तो मॉड था ही नहीं, लेकिन हम जिस रेंज में बात कर रहे हैं ना वो रेंज में एक्स पॉजिटिव है, और एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पर मॉड लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 4 कर सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिखने से क्या है पूरे की पावर 1/4 आ जाएगी, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, ये ध्यान में रखना। अगेन मतलब एक्स को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मोड एक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, दिस इज इक्वल टू मोड एक्स, ये आपको पता है, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव होता तो फिर आप इसको क्या लिखते हैं, अगर एक्स नेगेटिव होता तो दिस इज एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े पॉइंट पे आते हैं मतलब ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये समझ में आना चाहिए कई बच्चों को, जैसे उनको लगेगा कि हाँ नॉर्मली तो है, 4 से 4 कट जाएगा वापस एक्स आ जाएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, लॉजिक है, एक्स पॉजिटिव था इसलिए मैंने ऐसे किया। अब यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स अगर हम फाइंड करते हैं,
एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं तो दिस विल बी, ये पावर 4 है ये वाला, और ये 1/4 यहाँ पे लिख दिया, ये 1 प्लस ये पावर कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसमें एफ एक्स लिखा तो एफ एक्स उठा के वापस लिखिए इसमें, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, होल पावर 1/4 होगा तो कट जाएगा यहाँ से, ऐसे एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और होल पावर इसका 1/4 होएगा यहाँ पे, 1/4 वो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर वाला पार्ट जो है ना वो पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अगेन ये पॉइंट ध्यान में रखना, अगर फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 4 है तो मॉड एक्स लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब बाहर पॉजिटिव बन के आएगा, अब यहाँ पर मैं 4 को 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, अंदर वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें मॉड लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत बेसिक सी बात है ध्यान में रखना है, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है। फर्दर देखिए इसमें, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पर ये तो गया, ये वाला पार्ट तो एक्स की पावर 4 ये कितना हो जाएगा सोल्व करने पर, दिस विल बी एक्स की पावर 4 और बटे में 1+2 एक्स की पावर 4 आ जाएगा, और होल पावर कितना है 1/4। ऐसी अगेन इसी को इसी में उठा के रख दो तो आप सोल्व करोगे ना, क्या एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, ये सोल्व करने पर वापस क्या जाएगा, सोल्व करने पर ऐसा बन जाएगा 4x की पावर 4, ठीक है आप सोल्व करना, मैंने सोल्व किया अभी, और ये 1/4 ऐसा जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, ये जी एक्स ही तो है आपका, ठीक है, और ये सोल्व करने पर x अपॉन 1+4x की पावर 4 और होल पावर 1/4, मॉड x लिखेंगे बट x पॉजिटिव है क्योंकि हम जीरो से यहाँ तक ही देख रहे हैं x को, तो इसलिए मॉड लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करना है इनटू एक्स स्क्वायर करके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, यानी पहले तो जी एक्स फाइंड कर लिया, और जी एक्स फाइंड करने के बाद में ये एक सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन का सिंपल सा सवाल बन गया। आप देखिए जो डिनोमिनेटर में है ना उसको अगर टी लोगे आप तो उसका डेरिवेटिव जो 1/4 पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, मतलब ऐसे ये जीरो और ये रूट के अंदर 2√5 और ये कितना है एक्स क्यूब, और दिस इज 1+4x की पावर 4 होल पावर 1/4 डी एक्स, यहाँ पर लेट करते हैं 1+4x की पावर 4 बराबर टी की पावर 4 ले लेता हूँ ताकि वो फोर्थ रूट आ जाए डिनोमिनेटर में, तो कितना जाएगा दिस विल बी 4x क्यूब डी एक्स बराबर, और ये टी क्यूब इंटू डी टी, 4 से 4 कट जाएगा, इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा, और एक बार लिमिट को भी देख लेते हैं, अगर एक्स के लिए 0 यहाँ रखेंगे तो टी कितना आएगा 1, और अगर ये उठा के यहाँ रखेंगे तो इसकी फोर्थ पावर करूँ तो कितना 4 × 5 दैट इज कितना 20 × 4 80 और ये कितना 81 का फोर्थ रूट 3, तो ये कितना आएगा 1 से 3 और दिस विल बी 1/4 बाहर आएगा, ये 1/4, और एक्स क्यूब डी एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने टी क्यूब इंटू डी टी, और नीचे कितना जाएगा यहाँ पर t की पावर 4 रखेंगे तो पावर 1/4 है तो कितना बचा है टी, तो टी स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है टी क्यूब अपॉन 3, और ये 1 से 3 1/4 तो कितना जाएगा 1/12 और 27 - 1 तो कितना 26, तो 13/6 ये इसका आंसर है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा जो कैलकुलेशन थी ना ये थोड़ा ध्यान से करनी है। अब ये सवाल मुश्किल हो सकता था अगर यहाँ पर इंटरवल में जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव होती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल क्या मतलब वहाँ पर गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे, सवाल नंबर 5 पर इसमें देखिए 11th टर्म ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड 5th टर्म इज बी, दो जीपी की बात कर रहा है, पहली जीपी का 11th टर्म दूसरी जीपी के pth टर्म के बराबर है, पहली जीपी का 11th टर्म दूसरी जीपी के pth टर्म के बराबर है, और पहली जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और दूसरी जीपी का फर्स्ट टर्म भी क्या है ए है, तो आप देखिए पहली जीपी का 11th टर्म और दूसरी जीपी का मान लेते हैं pth टर्म बराबर है, तो इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो स्मॉल आर मान लेते हैं, ये 10 आ जाएगा, और यहाँ से क्या है फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए है, इसमें ए गिवन है, और कॉमन रेशियो कैपिटल आर लेते हैं p-1 ऐसे कर देते हैं, ये गिवन है। अब ये और गिवन है क्या कि थर्ड टर्म बी है पहली जीपी का, पहली जीपी का थर्ड टर्म बी है, इसका मतलब क्या है ए आर स्क्वायर बराबर बी है,
तो यहाँ से देखिए बच्चे, आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, बी बटे ए आ जाएगा। और दूसरी जीपी का फिफ्थ टर्म कितना है, बी है। तो फिफ्थ टर्म बी मतलब फर्स्ट टर्म तो ए ही है दूसरी जीपी का भी, और ये आर की पावर चार, ये फिफ्थ टर्म हो गया, दिस इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, बी बटे ए की पावर कितना, 1/4। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से आर स्क्वायर उठा के इसमें रख दो तो कितना बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, और बी बटे ए की पावर कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, आर की जगह वो रख दीजिए, तो बी बटे ए की पावर पी माइनस 1/4। तो यहाँ से इक्वेट करके कितना आएगा, पी बराबर ये 20 1 21, पावर्स को इक्वेट कर दिया। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो अगेन ये तो सिंपल सवाल था, 10th क्लास के लेवल का सवाल था, 10th में जीपी नहीं है तो 11th का ही हुआ, ठीक है। अगला सवाल जो है वो भी आसान सवाल है। आसान सवाल कैसे, देखिए आपको 9th क्लास ये चीज़ें सिखाई गई है, 9th क्लास में पॉलिनोमियल में जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं, तो आपको शुरुआत में सिखाया गया था कि क्या नाम है, एक रूट तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से पता करिए, मतलब हायर पावर्स के अंदर आप प्रयास करिए कि हिट एंड ट्रायल से कुछ रूट्स पता लग जाए, उससे कई बार सवाल आसान हो जाता है, और इसी अप्रोच के साथ कई बार सवाल फ्रेम किया जाता है। तो इस सवाल में अगर ध्यान से देखो तो इसका एक रूट जो है ना, जेड बराबर माइनस वन है, ठीक है, जेड बराबर माइनस वन एक रूट है, तो ये फैक्टर हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये जेड स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा जेड, और ये कितना प्लस वन बराबर जीरो। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से ये तो सिंपली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो इक्वेशन बनती है वही है, तो इसके जो दो रूट्स है वो एक ओमेगा आ गया और एक ओमेगा स्क्वायर, इधर से एक रूट कितना है माइनस वन। आप ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट्स कितने हैं, तो ये रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं, इनको उठाकर देख लीजिए। तो ओमेगा को अगर उठाकर इसमें रखें तो ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा 100 और ये प्लस का 1। अगर इसमें ओमेगा रखें तो इसको देखिए यहाँ पर कितना 10, ये 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे रहा है, 10 18 5 23, तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये कितना, इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना 1, तो ओमेगा बचेगा प्लस 1, तो बराबर कितना आ रहा है 0, मतलब ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ओमेगा कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर भी करेगा ही करेगा, क्यों करेगा, ऐसे देख सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट, मतलब रख के भी देख सकते हैं, और रख के नहीं देखे तो दूसरा लॉजिक क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और इसके कोफिशियंट्स क्या है, रियल है, और आपको पता है रियल अगर कोफिशियंट्स है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, तो अगर ये इसका रूट है तो ये भी इसका रूट क्या होगा, होगा ही होगा, तो वैसे भी देख सकते हैं, और बाकी आप पुट करके भी देख सकते हैं। तो ये दो रूट जो है वो दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो आंसर इज 2। तो ये अगेन एक सिंपल सवाल था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन को अगर ध्यान से देखें तो एंगुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड सवाल है। आपको पता है कि किसी भी एंगल का जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है, उस एंगुलर बाइसेक्टर का ईच पॉइंट दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और इसने उन्हीं की बात की है, ये क्या बोल रहा है कि दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस, मतलब एक तरह से ये दोनों, इन दो लाइंस के जो दो एंगुलर बाइसेक्टर है उनकी जॉइंट इक्वेशन है, क्योंकि जो लोकस की बात कर रहा है ये एंगुलर बाइसेक्टर की बात ही कर रहा है और उनकी इक्वेशन है, तो आपको पता है दो लाइंस के बीच में दो एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं तो उनकी जॉइंट इक्वेशन होगी, क्योंकि आपका ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ से क्या करिए, सिंपली इसका और इसका एंगुलर बाइसेक्टर निकालिए और उसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर दीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो एंगुलर बाइसेक्टर्स की जो इक्वेशन है वो सिंपली क्या आएगी, x प्लस 2y माइनस 8 अपॉन रूट में 5 आएगा, और इधर प्लस माइनस 2x प्लस का y माइनस का 7 और रूट में कितना आ गया 5, ये तो गया इधर, एक बार प्लस लीजिए, प्लस लेने पर इन सबको उधर भेजिए, तो एक्स माइनस वाई प्लस का 15 प्लस का कितना जाएगा इधर गया, तो x बचा माइनस वाई बचा और ये कितना बचा प्लस का 1, प्लस 1 बराबर 0, और अगर माइनस लेता हूँ तो माइनस का 2x इधर भेजूंगा तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस का y इधर भेजूंगा तो 3y हो जाएगा, और प्लस का 7 इधर भेजूंगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो एक तो 3x² आएगा, 3y² आएगा, और आप देखोगे ये मल्टीप्लाई होगा कितना 3xy प्लस का, ये 3xy माइनस का, तो ये तो गया, और यहाँ से
एक्स का टर्म कितना आएगा, माइनस का 15 तो ये, और माइनस प्लस का 3 ये, तो माइनस का कितना, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, दिस इज इक्वल्स टू, हाँ मिस्टेक कर दी हमने, मिस्टेक क्या कर दी, अगर प्लस लूँगा तो एक मिनट इसमें क्या जाएगा, अगर प्लस लिया तो x और ये इधर गया तो माइनस वाई, और ये उधर गया तो कितना प्लस का 1, ठीक है, और माइनस लिया तो माइनस लेने पर ये माइनस का 15, ये प्लस का 3x और ये प्लस का 3y, और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का, ये हो जाएगा 7, तो माइनस का 15, कैलकुलेशन सही लिखी है हमने, हमने गलती पता क्या कर दी, ये प्लस का 7 है, दिस इज प्लस का 7, तो मिस्टेक कर दें, ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं, दिस इज प्लस का 7 है, x प्लस 2y माइनस का 2x प्लस y प्लस का 7, ठीक है, प्लस लेने पर कितना आएगा, सबको उधर भेज दो प्लस लेकर, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस का y, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 15 हो जाएगा, ये 15 होएगा, ठीक है, और माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर इन सबको इधर भेजो, तो दिस इज 3x, माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का y प्लस का 2y, तो माइनस का नहीं प्लस का 3y, और ये माइनस का 7 तो इधर आकर कितना आएगा, माइनस का 1 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो एंगुलर बाइसेक्टर्स की जॉइंट इक्वेशन आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये होएगा मल्टीप्लाई करने पर 3y स्क्वायर, ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होने पर कितना आ रहा है, माइनस प्लस का 3xy, ये माइनस का 3xy, तो ये तो कट गया, x का टर्म क्या आएगा, एक तो माइनस x यहाँ और ये 45 ये, तो प्लस का 44x बचेगा, y का टर्म ये प्लस का 45 और ये प्लस का y, तो ये 46y आएगा, और ये कॉन्स्टेंट टर्म कितना, माइनस का 15 बराबर 0, ये जॉइंट इक्वेशन आ गई, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 3 को इधर भेज दीजिए, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 44 अपॉन 3 इंटू एक्स, और 46 अपॉन 3 इंटू वाई, और माइनस का दिस विल बी 5 बराबर 0, इसको इससे कंपेयर करें तो एच तो 0 आ गया, एच 0 आ गया, जी के एक्स के कोफिशियंट का हाफ, तो जी आ गया आपका 22/3, और एफ क्या है, वाई के कोफिशियंट का हाफ, तो एफ कितना आ जाएगा, दैट विल बी 23/3, और सी कितना आ गया, माइनस का 5, ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे एच 0 है ही, तो सबको ऐड करने पर कितने हैं, ये 45/3 तो 15, और ये माइनस का 5, तो आंसर कितना आ रहा है 10, ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है, मे बी शायद ये प्रिंटिंग एरर हो, बाकी ये ध्यान में रखना, सिंपल सा सवाल था एंगुलर बाइसेक्टर्स का, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने अगर जेई की तैयारी की है, मतलब ऑब्वियसली की होगी आपने, तो जेई की तैयारी में ये जो यहाँ पर साइन थीट, यहाँ पर साइन है, अगर जेई की आपने तैयारी की है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये जब भी दिखे तो एक बार इन तीनों का सम कैलकुलेट करके देखिए, मतलब कैसे, इसको ये तीनों इक्वल है, तो इसको इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, एक बार थोड़ी देर के लिए के ले लिया, तो अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन के आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 2π कितना आएगा, 2π/3, दैट इज वाई अपॉन के आ जाएगा, और साइन थीटा प्लस 4π/3 कितना आएगा, दैट विल बी जेड अपॉन के आ जाएगा, ठीक है, इन तीनों को ऐड करके देखिए, इन तीनों को ऐड करने से ज़्यादातर ये जीरो बन जाता है, ठीक है, और उससे आप जो चाहते हो उस पर ईजिली कमेंट कर पाओगे, तो एक बार इन तीनों को ऐड करेंगे तो दिस कैन बी रिटन 1/k, और ये कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो राइट हैंड साइड लिख दी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो साइन थीटा एज इट इज, इन दोनों को ऐड करने पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, प्लस का 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो इसको ऐड करोगे तो 2 थीटा हो गया, और इसको ऐड करोगे तो 6π/3 तो 2π, तो 2 थीटा प्लस 2π अपॉन 2 करेंगे
तो साइन पाई प्लस थीटा बचेगा, ये हो गया साइन सी प्लस डी अपॉन टू और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, थीटा कैंसिल हो गया, टू पाई बाई थ्री अपॉन टू करोगे तो पाई बाई थ्री। अब कॉस में इसमें से इसको माइनस करो जाए, इसमें से इसको माइनस करो, कॉस में तो कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा एक ही बात है। अब यहाँ पर ये वन बाई टू ये कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन थीटा तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया जीरो, ये रिजल्ट कितना आ गया जीरो। के जीरो के बराबर है नहीं तो इधर भेज दीजिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया जीरो आ गया। मतलब मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है जो कि डायगनल एलिमेंट्स का सम होता है वो कितना आ गया जीरो। स्टेटमेंट एक बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू जो है ना, अगर आपने वही कैलकुलेशंस में कुछ अगर ऑब्जर्वेशंस वगैरह की होगी इस टाइप के मैट्रिसेस में तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आई थिंक क्लियर है, एक बार हटा रहा हूँ फिर से इसको। बस ये ध्यान में रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, जीरो के बराबर है। देखिए नेक्स्ट, ये तो क्या है, यहां पर सिंपल सा मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आप फाइंड करोगे ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है सिंपली क्या किया जा सकता है, आप देखिए यहां पर कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो लेना है। तो अगर आप मान लो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, वो जीरो हो जाएगा। आप देखोगे इसका कोफैक्टर निकालोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वो सब जीरो हो जाएगा। केवल इसका कोफैक्टर नॉन जीरो आएगा, इसका कोफैक्टर नॉन जीरो और इसका कोफैक्टर नॉन जीरो। इसका कोफैक्टर क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब वाई जेड आएगा। और इसकी पोजिशन है वन वन, तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन, वो वन ही हो जाएगा। ऐसे ही इसका कोफैक्टर निकालोगे तो दिस इंटू दिस आएगा। तो कोफैक्टर लेकर या रखने पे ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज करने पे डायगनल एलिमेंट्स तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स का जो कोफैक्टर है वो वाई इंटू जेड आएगा, वाई का कोफैक्टर क्या आएगा एक्स इंटू जेड आएगा, और जेड का कोफैक्टर क्या आएगा एक्स इंटू वाई आएगा, और बाकी एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर है वो जीरो जीरो ही रहेगा। और इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वापस सेम ही आएगा। तो ये आ गया ए का एडजॉइंट, समझ में आ रहा है। अब जो पैटर्न आपको यहाँ समझ में आया उसमें क्या समझ में आया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो अगर मैं इसका फिर से एडजॉइंट निकालूँ तो आप देखिए क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई जेड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दीजिए तो दैट विल बी वाई स्क्वायर इंटू एक्स जेड, ये जीरो ये जीरो ये जीरो 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 जीरो, और उनको मल्टीप्लाई करके लिखिए दैट इज एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर। इसका अगर ट्रेस फाइंड करोगे, ये शायद आई थिंक जीरो गिवन होना चाहिए यहाँ पर, शायद जीरो ही होगा, प्रिंटिंग एरर है। तो इनको ऐड करोगे ना ट्रेस में, तो इन तीनों को ऐड करने पर एक्स वाई जेड तो कॉमन आ गया, और बचा क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये किसके बराबर है जीरो, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट वन एंड टू बहुत आर ट्रू, स्टेटमेंट वन मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। इसमें जो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, जहाँ पर एन क्या है, मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है। तो ऑर्डर कितनी है यहाँ पर इसकी, ऑर्डर तो इसकी थ्री है, तो थ्री यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया वन हो गया। ये फर्दर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका ट्रेस निकालिए चाहे इसका ट्रेस निकालिए, एक ही तो बात है। तो ट्रेस लिया हमने इसका, तो ये कितना आएगा, ये बाहर ले सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रेस के अंदर, तो ट्रेस ऑफ ए आ रहा है, और ये कितना आ रहा है जीरो, तो ये पूरा क्या हो गया जीरो। तो ये ऐसा हो सकता है। तो अगर ये सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ पर ये तो इत्तफाक से जीरो जीरो दे दिया, जीरो जीरो नहीं होता तो सवाल मुश्किल हो सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल नज़र आ रहा है, बाकी है आसान। देखिए इसमें एस के जो है के टर्म्स का सम है, के टर्म्स का सम है, तो एस के कितना आएगा, एस के बराबर इसमें तीन सात ग्यारह ए पी है, डी कितना आ गया फोर आ गया, तो के टर्म्स का सम दैट विल बी के अपॉन टू
और ये कितना आएगा, 2a 6 हो गया, k माइनस 1, d कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3k हो गया, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर माइनस का 2k, तो ये 2k स्क्वायर प्लस का k आ रहा है। s क्या आ गया, ये उठा के बाहर रखिए, तो यहाँ पुट करने पर ये n सिग्मा k बराबर 1 और ये कितना है 2k स्क्वायर प्लस का k है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अपॉन 6 करेंगे इंटू 2 है तो अपॉन में 3 बचेगा, और ये प्लस में कितना आ गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट आ रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर n 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 और ये इधर एज इट इज़, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 6 को अंदर भेजिए तो ये कितना देगा 4n प्लस का 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो दिस विल बी 4n प्लस का 5, यानी ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज़ 4n प्लस 5, तो ये कितना है 40 और ये कितना आ गया 4n प्लस का 5 और ये कितना है 45, तो कितना 35 और ये 4n और दिस इज इक्वल टू 40, तो 4 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 8.7 को जाएगा, 32 3 7, ठीक है, और ये n और ये कितना 10, तो n की वैल्यू 10 से छोटी है, 8.7 से ज़्यादा है, तो n बराबर सिंपल से बात है कितना आएगा 9। तो अगेन किया जा सकता है, एक्चुअली होता क्या है देखो, बस पेपर के टाइम पे क्या बच्चे घबरा जाते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, थोड़ी हड़बड़ाहट होती है, जिसकी वजह से कई बार आसान चीज़ें भी मुश्किल डायरेक्शन में चली जाती है कैलकुलेशंस करते करते वक्त, तो वहाँ पे आपको बहुत सहज होना पड़ेगा, जितना मतलब सहजता से आप पेपर को देखोगे ना नॉर्मल रहकर, उतना कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं होगी, आपका कैलकुलेशन का डायरेक्शन भी प्रॉपर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर पीएनसी का सवाल है और इसमें क्या दे रखा है, इसमें देख क्या रखा है, एक पेपर है, देर आर 3 सेक्शंस ए बी सी विच हैज 8, 6 and 6 क्वेश्चंस ईच, वो ईच की जगह रेस्पेक्टिवली लिखा होना चाहिए था, ठीक है, कि सेक्शन ए में 8 सवाल है, सेक्शन बी में 6 सवाल है और सेक्शन सी में 6 सवाल है रेस्पेक्टिवली, ए स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस सच दैट दे हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ ईच सेक्शंस, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस आर। सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहा है, देखिए सेक्शन ए में इसमें 8 सवाल है, इसमें 6 सवाल और इसमें 6 सवाल है, कम से कम ईच सेक्शन से 4 सवाल उठाने हैं और टोटल कितना होना चाहिए 15 सवाल होने चाहिए। अब एक बार इसमें से मैक्सिमम उठा सकता हूँ क्या मैं, मैक्सिमम 8 उठा लूँ, तो आप देखिए 8 8 4 4 इधर से उठाऊँ तो 16 हो जाएगा, तो इसमें से मैक्सिमम कितना उठा सकता हूँ मैं 7, तो मैं एक बार में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें 8 क्वेश्चन है तो अगर इसमें से मैं 8 के 8 उठा लूँ तो बचे हुए से 7 उठाना पड़ेगा, जबकि सबसे 4 4 उठाने हैं हमें, तो 4 4 उठाने तो बचे हुए से 8 तो आएंगे तो 16 हो जाएंगे, तो ए में मैक्सिमम मैं कितने उठा सकता हूँ 7, तो अगर 8 में से मैं 7 उठाया तो बाकी 8 और उठाने तो सिंपल सी बात है 6 में से 4 उठाना पड़ेगा और फिर 6 में से 4 उठाना पड़ेगा प्लस ए के सी हो गया। अगर इसमें से मैं 6 उठाऊँ ए में से, यानी 8 में से 6 क्वेश्चंस पिक करूं तो अब बचे कितने 9 क्वेश्चंस, अब 9 क्वेश्चंस में से इससे अगर मैं 4 उठाता हूं तो यहां से 5 उठाना पड़ेगा और यहां से 5 उठाता हूं तो यहां से 4 उठाना पड़ेगा, दोनों में 6 6 क्वेश्चंस है तो वो ट्वाइस हो जाएगा और 6c5 इंटू 6c4 कर सकता है भाई, इधर से 5 उठाया इधर से 4 या इधर से 4 उठाया इधर से 5, तो यही फैक्टर इंटरचेंज होंगे तो उसको ट्वाइस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन ए से 7 उठाने की जो पॉसिबिलिटी वो 1 है, 6 क्वेश्चन उठाने की 2 पॉसिबिलिटीज आएगी और अगर इससे 5 सवाल उठाए जाए तो बचे हुए बी और सी से कितने सवाल उठाने पड़ेंगे आपको 10, ताकि टोटल कितना हो जाए 15। अब 10 सवाल उठाने हैं तो 20 से मैक्सिमम में कितने उठा सकता हूँ 6 उठा सकता हूँ, ठीक है, और इससे मैं 4 उठा सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए तो ये ट्वाइस हो गया और एक क्या केस क्या होगा 8c5, दोनों से क्या क्या उठा लिया 5 ऐसे उठा लिया, एक ही हो सकता है भाई 6 4 5 5 और 4 6, तो इस 6 4 और 4 6 को तो मैंने ट्वाइस कर दिया
और पांच पांच का एक बार लिख दिया। ये ए से अगर पांच क्वेश्चंस में पिक करूं तो बी और सी से उठाने के ये जो तीन पॉसिबिलिटीज है ये मैंने लिख दी। अगर ए से मैं चार सवाल पिक करूं, ठीक है, सेक्शन ए से, तो अब हमें सेक्शन बी और सी से कितने सवाल उठाने पड़ेंगे? 11। अब आप एक चीज़ देखिए, 11 सवाल उठाने पड़ेंगे तो एक से तो 6 उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों से पांच पांच भी नहीं उठा सकते। 11 उठाने और दोनों में मैक्सिमम टोटल कितने? 12 सवाल है सेक्शन बी और सी में, तो 11 सवाल उठाने, तो सिंपल सी बात है, एक सेक्शन से तो हमें कितना उठाना पड़ेगा? 6 सवाल, और दूसरे सेक्शन से 5 सवाल उठाने पड़ेंगे। और ये उल्टा भी कर सकता हूँ, तो ट्वाइस कर दो, ठीक है। और एक केस और बचेगा लास्ट में फाइनली, जब मैं सेक्शन ए से तीन सवाल उठाऊं, तो सेक्शन बी और सी से मुझे, ये तो उठा भी नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि तीन से कम तो वैसे भी नहीं ले सकते, ईच सेक्शन चार से कम, ईच सेक्शन से मैं फोर क्वेश्चंस पिक करने हैं, तो जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो यही होगी। इसको हटा देते हैं वापस, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये इसको लिख दीजिए 62, तो 15 × 15, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 × 8C6 का मतलब 8C2, 8 × 7 = 56, 28, और ये कितना? 6, और ये 15 हो जाएगा, 6C2 15 होता है, प्लस का ये 2, और ये कितना है? 8C5 है, तो 8C3 कर दो, तो 8 × 7 = 6, 3 × 56 आ जाएगा, 56, और ये 1, और ये कितना? 15 आ गया, प्लस 8C5 अगेन 56, और ये 6, और ये 6, और ये 2 × 8C4, 8C4 का मतलब क्या है? 8 × 7 = 6, 5, और नीचे 24 है, ठीक है, ऐसे लिख दो 8 × 7 = 6, 5, और नीचे 4 × मतलब 24, तो ये 3, ये 2, 35 × 2 = 70, तो ये 70, ये 1, और ये 6। इसको सोल्व करने पर आप देखोगे ना तो आपका ये आंसर आ जाएगा, सिंपली ऐड करना है इसको मल्टीप्लाई करके। तो था थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल था, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आसान है, मुश्किल सवाल भी नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से लेंदी था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है अगले सवाल में दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है। आप ध्यान से देखो, तो एक बार अल्फा को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। अल्फा जो है वो सिंपली क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा को, दैट इज NC0 × NC0/1, NC1 × NC1/2, NC1 × NC3/2, ये कितना आ गया? 3, ऐसे चलेगा, ये NC2 है, NCn × NCn/1 में क्या आएगा? n+1, यही तो है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब आप इंटीग्रेशन से भी जा सकते हैं और बाइनोमियल दो सीक्वेंस के प्रोडक्ट से भी ये जनरेट किया जा सकता है। कैसे? लेट्स सी। आप देखिए 1 + x^n है, इसको क्या लिख सकते हैं? NC0 × NC1 × NC2 × NC3 ×3, और ये चलते चलते NCn × n है। इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से x कर दीजिए, इसको 0 से x करोगे तो राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला पोर्शन आपका जनरेट हो जाएगा x की साथ, तो दिस विल बी 1 × x^n+1/(n+1), 0 से x कर दिया मैंने, और दिस इज कितना? NC0 × NC1 × x^2/2, और NC2 × x^3, NC4 × x^4/4, ऐसे चलेगा ये, और लास्ट में NCn × NC(n+1)/(n+1) ये आ जाएगा, और इसकी लिमिट है 0 से x। 0 रखने पे 0 जाएगा, x रखने पर जो अंदर लिखा हुआ वही बचेगा, और इधर क्या बचेगा? दिस विल बी x रखने पर 1 × x^(n+1)/(n+1), और -0 रखने पर 1/(n+1), ये बचेगा, जो कि किसके बराबर आ रहा है? NC0 × NC1 × x^2/2 NC2 × x^3, यही चलेगा, और NCn × NC1/(n+1)/(n+1), कितना? n+1। इसको सीरीज वन दे दो आप, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, फिर से ये पार्ट मैं हटा रहा हूँ ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए यहाँ पर।
ये मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, मेरा फोकस इस पे था, इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट को अगर आपको जनरेट करना है तो आप 1+x^n की जो सीरीज है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जनरेट हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर nc0/1 यहाँ पे बोल सकता हूँ, nc1/2 nc1/2 nc2/3 ऐसा आ रहा है। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, तो जाएगा क्या फर्दर, ये हो जाएगा देखिए फर्दर, एक पार्ट तो ये आ गया, मतलब मैंने अभी इस पे फोकस किया, कोई भी एक टर्म ले लो ये वाला। अब ये एक बार लिखता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिखा x+1 n, इसको लिखूँगा nc0 x^n nc1 x^n-1 और nc2 x^n-2 और ये चलेगा nc n x^0। इसको मैंने सेकंड दे दिया। आप देखिए 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो इसका जो सीरीज है मतलब अल्फ़ा, जो अल्फ़ा बनेगा पता है वो क्या बनेगा, मतलब दिस इंटू दिस सही है। तो यू विल ऑब्जर्व कि वहाँ पर x^n+1 बनेगा, मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर राइट हैंड साइड में x^n+1 का जो कोफिशियंट है ना वही अल्फ़ा है, ठीक है। तो मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 × 2 कर दूँ, तो सिंपली जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज द कोफिशियंट ऑफ x^n+1 1 और 2 में। तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने पर कोफिशियंट बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में वो कोफिशियंट लेफ्ट हैंड साइड की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं, इन x+1 n इंटू, और ये कितना है 1+x कितना अपॉन n+1 - 1/(n+1). इसमें x^n+1 का कोफिशियंट ही है, तो इसको एक बार अंदर भेजिए, तो अंदर भेजोगे तो क्या जाएगा, दिस विल बी 1+x कितना 2n+1 बटे में n+1 और -1+x^n और x+1। इसमें x^2n+1 का कोफिशियंट इधर से तो आएगा नहीं, ये n है, इधर से तो x^n+1 का कोफिशियंट आएगा नहीं, इधर से ही आएगा। तो यहाँ पर वो कोफिशियंट क्या है, 2n+1 cn+1 और साथ में ये 1/(n+1) मल्टीप्लाई में आएगा। तो दिस इज द अल्फा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली बीटा पे चलते हैं, तो बीटा की इस सीरीज को आप लिखोगे ना बच्चे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं, या फिर इसको नहीं, इस वाले पार्ट को नहीं, हम इसी को यूज कर लेते हैं इसमें। तो ये एक सीरीज तो इससे बनेगी और एक सीरीज ये बनेगी, ठीक है। दो सीरीज का प्रोडक्ट आएगा जिसमें एक तो इससे बनने वाली सीरीज होगी, एक इससे बनने वाली सीरीज होगी। तो ये वाली सीरीज तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही ली, इस सीरीज को देख लेते हैं एक बार, मैं इसको हटा देता हूँ वापस। तो ये हटा रहा हूँ ये पोर्शन, या इसको भी हटा देता हूँ, इसमें क्या करिए x+1 n+1 लीजिए, क्योंकि यहाँ पर n+1 cr है, तो इसको लिखोगे n+1 cr मतलब c0 x^n+1 और ये n+1 c1 x^n n+1 c2 x^n-1, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो भी है लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको थर्ड दे देते हैं नंबर, थर्ड को और वन को मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, दिस इंटू दिस ये होना चाहिए इसके हिसाब से। अगर आर की वैल्यू 0 रखोगे तो दिस इंटू दिस ही तो बनेगा, आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ये टर्म n+1 c1 n+1 c1/2 बनेगा, ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये वाला जो सीरीज है ना, ये 1 और 3 के प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में x^n+1 का कोफिशियंट बन रहा है, n+1 का कोफिशियंट बन रहा है, n+1 का नहीं n+2 का। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे
तो x की पावर n प्लस टू आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर x की पावर n प्लस टू आएगा। तो बीटा इज नथिंग बट बीटा इज द कोफिशियंट ऑफ x पावर n प्लस टू इन, और इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या जाएगा, एक तो जा रहा है x प्लस वन की पावर n प्लस वन, और एक ही आ रहा है दैट इज वन प्लस x की पावर कितना n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस का वन अपॉन n प्लस वन, ये आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इधर देख लेते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई करने पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा, दिस विल बी वन प्लस एक्स की पावर कितना एन प्लस टू, और ये कितना आ गया एन प्लस वन माइनस का वन प्लस या एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब इसमें तो एक्स की पावर एन प्लस टू का कोई कोफिशियंट आएगा नहीं, इधर से आएगा, और ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है टू एन प्लस टू आएगा, दिस इन टू दिस टू एन प्लस टू, इसमें एक्स की पावर एन प्लस टू का कोफिशियंट आएगा टू एन प्लस टू सी एन प्लस टू, और ये वन अपॉन एन प्लस वन, ये बीटा की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है? अब इस सवाल का जो कैलकुलेशन के डायरेक्शन का अप्रोच था उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये ध्यान में रखना, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी या ये ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट जब भी आए ना तो आप इस अप्रोच के बारे में सोच सकते हैं। इस अप्रोच में आप ध्यान में क्या रखना है कि जैसे देखिए यहाँ पर वन प्लस एक्स रखा तो यहाँ पर एक्स की पावर इंक्रीज थी, यहाँ पर मैंने एक्स प्लस वन लिया एक्स की पावर क्या रही डिक्रीज आ रही है, तो एक में पावर को इंक्रीज रखिए दूसरे में पावर को क्या रखिए डिक्रीज रखिए, ताकि जब आप दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करो ना तो आप वाला जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में सभी में एक्स की पावर सेम आ जाए, ताकि वो कॉमन आकर किसी एक्स की पावर का कोफिशियंट बन जाए। मतलब मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है, एक एक्सप्रेशन में एक्स की पावर इंक्रीज होती होनी चाहिए, एक एक्सप्रेशन में एक्स की पावर डिक्रीज होती होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या बोल रहा है कि फोर बीटा सेवन अल्फा के बराबर है, इसको चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फोर बीटा मतलब फोर इंटू टू एन प्लस टू सी एन प्लस टू, और सात अल्फा, सात अल्फा मतलब ये इधर तो सेवन अपॉन में एन प्लस वन है इसमें भी, और इसमें भी एन प्लस वन वो कट जाएगा, तो एन प्लस वन कट गया तो जो बचा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये एन प्लस वन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये फोर इंटू टू एन प्लस टू बटे में कितना एन प्लस टू, और इंटू ये कितना जाएगा टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन बराबर सात, ये टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर आएगा कितना लेफ्ट हैंड साइड में तो एट एन प्लस एट है, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा एन प्लस टू, इधर जाएगा तो सात एन प्लस का कितना फोर्टीन, तो एन बराबर कितना आ गया सिक्स आ गया। तो थोड़ा सा ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल था, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, बस कैलकुलेशन थी, मान सकते हैं इसमें कैलकुलेशन थी, तो इट विल कंज्यूम सम टाइम। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में थोड़ा सा करेक्शन, यहाँ पर पी है, खुल जा भाई, देखिए इसमें ये पी है, यहाँ पे एक चीज ये कॉमा है, ये शायद L1 है यहाँ पे, अब देखिए इसमें ये भी L1 है, ये बोल रहा है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, L1 का ये वेक्टर और L2 का ये वेक्टर, इनका डॉट क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल वेक्टर है, तो डॉट में तीन और एक और ये 2p, तो तीन माइनस एक प्लस 2p बराबर जीरो, तो p बराबर कितना आ रहा है माइनस वन। समझ में आ रहा है? देखा जाए तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, बाकी सिंपली फिर देख सकते हैं आप क्या L3 जो है L1 और L2 के परपेंडिकुलर है, तो L3 L1 के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से L3 का पैरेलल वेक्टर यही है और L1 का ये है, इनका डॉट करो क्या आएगा 1 माइनस एम प्लस का 2n बराबर जीरो, और ऐसे ही L3 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो यहाँ पे इसका और इसका पैरेलल वेक्टर का डॉट क्या आएगा जीरो, तो दैट विल बी तीन और प्लस का एम और माइनस का एन बराबर जीरो, इनको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इनको सोल्व करने पर देखते हैं एक बार कितना ऐड करेंगे तो कितना आएगा एन बराबर माइनस का चार, ये शायद मिस प्रिंट है यहाँ पर, ये माइनस का चार, और माइनस का चार रखने पर कितना जाएगा माइनस का सात, तो यहाँ पर भी शायद माइनस आएगा, ये देखना पड़ेगा,
बट पी की वैल्यू आती, बाकी वैसे आउट हो गए, ठीक है। एक बार और वापस पी की वैल्यू को रीचेक कर लेना ताकि बाकी एम और एन को फाइंड करना ही नहीं पड़े। तो कई बार ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि वो कैलकुलेशंस को वैसे ही रिड्यूस कर देते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में आप देखिए यहाँ पर, अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे कमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो एक तो जब भी ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे कमेंट करें तो बच्चे क्रेमर्स रूल यूज़ करते हैं, डी बराबर जीरो, डी वन बराबर जीरो, डी टू बराबर जीरो, डी थ्री बराबर जीरो, ठीक है। अब डी बराबर जीरो करके लेमडा की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखो तो इसमें देखिए चारों में लेमडा तो वन दे रखा है, एक मिनट बच्चों, आप देखिए इसमें चारों ऑप्शन में यहां पर लेमडा वन दे रखा है, यहां पे भी वन, यहां पे भी वन, यहां पे वन, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से डी तो ऐसे दिख रहा है, ये वन 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 और ये कितना वन टू थ्री और ये वन, लेमडा स्क्वायर भी वन, लेमडा भी वन, तो ये तो कितना आ रहा है जीरो, दो कॉलम सेम है, तो डी जीरो है। तो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या इनकन्सिस्टेंट होगा, तो मतलब ऑप्शन ए तो आउट हो गया। अब बचा ऑप्शन बी दो तीन चार, तो अब डी देख लेते हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पे डी टू अगर देखोगे आप तो डी टू वैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी टू में यही तो चेंज होएगा, बाकी दो कॉलम सेम रहेंगे, तो डी टू भी जीरो आ गया। डी वन देखते हैं एक बार, डी वन के लिए क्या करेंगे, पाँच नौ और ये म्यू और ये वन टू थ्री, ये वन 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 ऐसा देख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जीरो बनाते हैं, आर टू में से आर वन को माइनस करिए, ये कितना हो जाएगा चार, ये कितना हो जाएगा एक, ये जीरो हो गया। और आर थ्री में से आर वन को माइनस करिए तो ये म्यू माइनस पाँच हो जाएगा, ये दो बचेगा, ये क्या हो जाएगा जीरो। इसको एक्सपेंड करोगे इसके अलोंग, तो दिस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आठ माइनस म्यू माइनस का पाँच, और इसको अगर मैं जीरो कर दूँ तो म्यू बराबर कितना आ रहा है, तेरह आ रहा है, ठीक है। यानी म्यू बराबर तेरह पे भी डी वन जीरो है, डी टू पहले जीरो देख लिया था हमने, ठीक है। और डी थ्री की अगर बात करें तो डी थ्री की बात करोगे तो डी थ्री में सिंपली ये जो पाँच नौ और म्यू है यहाँ रखने के बजाय यहाँ रख दिया, तो एक तरह से ये दोनों कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे सी वन और सी थ्री। तो डी थ्री, डी वन अगर जीरो है म्यू बराबर थर्टीन पे, तो डी थ्री भी क्या हो जाएगा, डी थ्री भी आपका जीरो हो जाएगा म्यू बराबर थर्टीन पे, ठीक है। यानी म्यू बराबर थर्टीन पे और लेमडा बराबर वन पे डी डी वन डी टू डी थ्री चारों जीरो के बराबर है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, क्योंकि देखो ये चारों अगर जीरो के बराबर है, यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। कई बार तीनों प्लेन्स अगर पैरेलल है ना, तीन प्लेन्स ही तो ये, तीनों प्लेन्स अगर पैरेलल है तो भी ये चारों जीरो होते हैं, बट वहाँ पर नो सोल्यूशन है। तो एक बार देख लीजिए कि इन वैल्यू की वजह से कहीं पैरेलल प्लेन्स की सिचुएशन तो जनरेट नहीं हो रही है। तो लेमडा अगर मैं वन रख दूँ यहाँ पे, तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर वन 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 है, वन टू वन है, वन थ्री वन है, तो कहीं पे भी नॉर्मल वेक्टर्स कोई भी दो प्लेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यानी पैरेलल वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है। तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, या वैसे सही क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिंगल करेक्ट है तो आगे देखने की जरूरत है नहीं हमें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए डिफरेंसिबिलिटी का बहुत ही सिंपल सवाल है। इसने बोला कि इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, अगर हर जगह डिफरेंशिएबल है तो भैया कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ऐसे सवाल जो है मेनली हमें जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहीं पर हैंडल करने होते हैं। तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो वन पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब है कि एफ डैश वन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एफ डैश वन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ एक्स बराबर वन पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है वन पे, चार प्लस ए, और राइट हैंड लिमिट कितना है बी प्लस दो, तो यहाँ से ए प्लस दो बराबर कितना आ गया बी, एक तो ये रिजल्ट आ गया। दूसरा डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, टू एक्स प्लस का तीन, एक्स लेस देन वन, और ये कितना बी, और यहाँ से कितना ये हटा दीजिए बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है वन पे, पाँच आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है बी। अगर वन पे डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वन पे बराबर आना चाहिए। तो b बराबर पाँच है, पाँच रखा तो a बराबर कितना आ गया तीन, ये उठा के वहाँ रखिए,
फिर आगे इंटीग्रेट करके देखते हैं इसको, मतलब डिफरेंशिएबल है तो एक इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी की बनेगी, कॉन्टिन्यूटी की मतलब वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की बनेगी, और एक इक्वेशन बनेगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन थे, कैलकुलेट कर लिए। फर्दर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे तो ए बराबर कितना था हमारा, तीन, तो ये तो तीन है और ये कितना है, पाँच है। अब माइनस टू से टू बोल रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा, माइनस टू से एक अलग जाना पड़ेगा और वो एक्स स्क्वायर प्लस का, थ्री एक्स प्लस का तीन, और ये कितना हो जाएगा, एक से दो, जो कि कितना हो जाएगा, पाँच एक्स प्लस का दो, जो कि आप खुद ही आसानी से कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो नो डाउट कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाइज लेंथी थे, बट कॉन्सेप्चुअली दे आर गुड। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही हाई फाई सवाल आ गया, बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, कैलकुलेशंस में ज़्यादा फंसना नहीं था, बहुत सहज आपको होना है जिससे कैलकुलेशंस जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए उसमें जाए। बाकी सभी क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट थे वो ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और आई थिंक आपको समझ में आया। एंड जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी बाकी है उनको विश यू ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 को देखते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम दिए, एक बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल है 5 डिग्री, ठीक है, और इंटरवल गिवन है 1 से 4 का, और उसमें हमसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब एकदम ही बेसिक प्रॉब्लम है। तो चलिए आइडिया लगा लेते हैं कि इसके डेरिवेटिव का क्या हालचाल है। तो डिफरेंशिएट किया इसको अपन ने, टू मतलब सोचने जैसा कुछ है ही नहीं बेटा, हमें सीधा स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, पता करना है कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज कर रहा है, अभी पता चल जाएगा कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है। तो ये आ गया 2x-2 x-3 whole cube + 3x-2 whole square x-3 whole square, ठीक है। यहां से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, x माइनस टू कॉमन आ रहा है एंड x माइनस थ्री होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहां आपके पास रह गया, देखो ये कॉमन आ गया, यहां से 2 पावर कॉमन आ गया, तो यहां रह गया आपके पास 2x-6। सिमिलरली यहां से भी 1 पावर कॉमन आ गई, ये पूरा कॉमन आ गया, तो आपके पास यहां रह गया 3x-6। तो जो f डैश x बना है आपके पास वो बनाया बेटा कुछ ऐसा, x-2 x-3 whole square एंड हियर 5x-12। अगर इसका नंबर लाइन बनाए अपन तो यहां 3 होगा, यहां 12/5 होगा और फिर यहां पर 2 होगा, यहां डेरिवेटिव पॉजिटिव रहने वाला है, यहां भी डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहां नेगेटिव रहेगा और अगेन यहां पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां राइज करेगा, यहां फॉल करेगा, फिर राइज एंड देन अगेन राइज, ठीक है, पॉलीनोमियल है तो बहुत इजीली कर्व भी बनाया जा सकता है, कोई इश्यू है ही नहीं। तो कर्व बनाए तो ये मान लीजिए 2 रहा होगा, ये 12/5 रहा होगा, ठीक है, और यहां कहीं 3 रहा होगा, ठीक है। तो बना लेते, यहां से कर्व आएगा 3 पर वैल्यू 0 होनी है ऑफकोर्स, 3 पर वैल्यू 0, तो यहां से आता रहेगा और यहां आकर वैल्यू 0 और साथ में डेरिवेटिव भी 0, तो ये कुछ ऐसा होगा। ऐसा उसके बाद में अगेन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो मतलब ये मतलब राइज कर रहा है, इधर से राइज करेगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में 12/5 पर ये अगेन डेरिवेटिव 0 होगा और डेरिवेटिव 0 होगा, उसके बाद में ये फिर से राइज करेगा और 2 पर आकर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये यहां पर डेरिवेटिव 0 करके फोल्ड होकर ये हमेशा के लिए ऐसा चला जाएगा, ठीक है। 1 यहां कहीं होगा आपका, तो 1 से 4 में ही हमें काम करना था। तो अब यहां पर क्लियर है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्लियर नजर आ रही है, 4 पे ही हिट करेगा, क्योंकि बाकी सब जगह जो वैल्यू होगी 3 पर 0 है और बाकी सारा वैल्यू इसके नीचे ही जा रहा है, तो 4 पर मैक्स रहेगा। तो f(4) आप देख सकते हैं 4 पर ही बन गया बेटा, ये हो गया 2, स्क्वायर हो गया आपके पास 4, ये 1 हो गया, तो मैक्स वैल्यू तो 4 रहेगा
अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू के लिए मैं एक तो 1 पर ट्राई करूंगा और एक 12 बाय 5 पर ट्राई करूंगा। तो 1 पर वैल्यू देख लेते हैं, पहले एफ ऑफ 1 देख लेते हैं क्या आ रहा है। एफ ऑफ 1 हमारे पास आ रहा है, देखिए यहां तो हो गया 1 माइनस 2, बोले तो 1 ही हो गया ये तो, ठीक है। और 1 माइनस 3 तो ये हो गया माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास माइनस 8। तो मिनिमम वैल्यू माइनस 8 आ रहा है, सॉरी एफ ऑफ 1 माइनस 8 आ रहा है, नॉट मिनिमम वैल्यू। अभी हमें देखना होगा 12 बाई 5 पर जो वैल्यू होगी, 12 बाई 5 पर जो वैल्यू देखें तो ये तो 1 से छोटा हो गया, यस। तो ये क्लियर है कि ये मैक्स होगा और ये ही मिनिमम होगा। आपसे डिमांड किया है इन्होंने मैक्स माइनस मिनिमम, इट्स 12 बेटा जी। तो इस प्रॉब्लम का आंसर बनेगा आपका 12। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम जो है वो है वेक्टर एंड 3D पर, और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है ये भी। एक वेक्टर ए गिवन है, आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के, और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है √6, ठीक है। और बोला है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय 4। ए डॉट बी हमें 3 गिवन है और फिर हमसे कुछ ऐसा डिमांड किया है, ठीक है। तो हमें ए और बी के बीच का एक एंगल गिवन है भैया पाई बाय 4, और ए डॉट बी भी गिवन है, तो हम इन दोनों चीजों का एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है हमारे पास मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जो कितना गिवन है 3। मॉड ए का वैल्यू यहां से क्लियर नजर आ रहा है, वो हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मॉड बी का वैल्यू दिख ही रहा है, √6 हो गया है, ठीक है। और कॉस ऑफ पाई बाय 4 1 बाय √2 हो गया, ए और बी के बीच का एंगल, और ये हो गया वैल्यू हमारे पास 3 के, सॉरी इट्स 3, ओके। यहां से अगर आप गौर करके देखें तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहां √3 रह गया, और ये कैंसिल हुआ तो यहां √3 रह गया, ठीक है। तो हमारे पास अब अगर स्क्वायरिंग करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2। अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग कर दो ना बेटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अभी जो यहां रिमेनिंग जो बात रह गई वो रह गई कि भाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कहां से लाया जाए। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो बहुत आसान है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अगेन वही काम करेंगे हम, मॉड ए मॉड बी साइन पाई बाई 4, ठीक है। मॉड ए का वैल्यू देखो बेटा, यही तो मॉड ए था, और जो कितना आ गया √3 आ गया, तो इसे √3 लिखेंगे हम। मॉड बी हमें दिख ही रहा है √6, और ये हो गया 1 बाय √2, ये और ये कैंसिल हुआ तो यहां बच गया अपने पास √3, तो ये आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 3 आ गया। आपसे इसका वैल्यू पूछा है तो ये 2 हो गया, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर हो गया वो 9 हो गया। तो आपका आंसर यहां बन गया बेटा 18। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बिल्कुल ही इजी प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम एरिया अंडर द कर्व से, और कर्व जो इस्तेमाल किए हैं बड़े आसान से हैं। एक तो आपके पास दिख ही रहा है पैराबोला है, और साथ में एक है आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और बोला है देन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो बड़ा सीधा सा है, सॉरी बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर ड्रॉ करेंगे पैराबोला। तो पैराबोला है बेटा जी जिसका वर्टेक्स है 1,2, तो मतलब पैराबोला का वर्टेक्स यहां ले सकते हैं अपन, x1 है और y2 है कुछ यहां, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए पैराबोला, ओके लाइक दिस। ओके
ये पॉइंट हो गया 1,2। अब एक लाइन है एक्स माइनस टू आई प्लस फोर, एक्स माइनस टू आई प्लस फोर। अब ये देखना होगा कि ये लाइन इस पैराबोला को कहां कहां कट कर रही है। तो चलिए आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से x का वैल्यू उठाते हैं और इस पे पुट करते हैं। तो ये आ गया आपके पास y माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू x, x की जगह मैं पुट कर रहा हूं 2y माइनस फोर। देखो x का वैल्यू क्या हो गया 2y माइनस फोर और फिर साथ में एक माइनस वन। ओके ठीक है, तो यहां से अगर आप गौर करके देखो तो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर और यहां हो गया टू वाई माइनस फोर माइनस वन। तो आपके पास नेट बन गया वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई, ये हो गया नाइन। ओफ कुछ नजर आया बेटा, ये तो बन गया वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये तो टेंजेंट है बेटा इसकी और वो टच कर रही है y इक्वल्स टू थ्री पर। देखिए बेटा जी ये तो टेंजेंट हो गया। अच्छा y का वैल्यू थ्री होगा तो y थ्री तो ये हो गया वन टू, x का वैल्यू टू होगा मतलब ये टेंजेंट है 2,3 पर, 2,3 पर ये इस पैराबोला की टेंजेंट है। तो चलिए उसको तो मैं वहां से अब साफ कर देता हूँ, आपको समझ में तो आई गई बात। तो इसको तो अपन इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी थोड़ा सा बेटा, है ना। चलिए तो समझ आ गया, क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा जी टेंजेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा ये इसका इस लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एक्स जीरो करो टू पर कट कर रहा है, मतलब समझ में आ रहा है बेटा। यहां कट करता हुआ एक टेंजेंट खींचेगा बेटा, ये हो गया कुछ, ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया आपके पास 2,3। तो आपको एरिया चाहिए था बाउंडेड, जो कर्व बाउंड कर रहे हैं और एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बाउंड कर रहे हैं, तो आई थिंक वो हो गया एरिया आपका ये वाला। अब इस एरिया को यही लोग मिलकर बाउंड कर रहे हैं, लाइन कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है जो मैंने यहां शेडेड किया है, ये एरिया फाइंड करना है। तो आसान है, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। आप ऐसा ही स्ट्रिप ले लीजिए जैसा मैंने शेड किया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन चलते हैं जीरो से y इक्वल्स टू जीरो से टू तक, क्योंकि y इक्वल्स टू जीरो से टू तक आप देखिए वो तो आपका x2 का काम करेगा, मतलब कर ये पैराबोला, और x1 तो देख ही रहे आपको जीरो है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं एरिया लिखते हैं, उसमें पहले अपन स्ट्रिप को रन करते हैं जीरो से टू तक। तो जीरो से टू तक स्ट्रिप रन किया आपने, ठीक है। तो इसमें आपके पास x2 तो हो गया पैराबोला और x1 हो गया जीरो, भाई यहां x वैल्यू जीरो होती है ना बेटा। तो पैराबोला से x फाइंड कीजिए, पैराबोला से x आ गया y माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन और साथ में आ गया dy, और y को हमने रन किया जीरो से कहां तक टू तक, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लस अभी कुछ और एरिया है, ठीक है। अब वो एरिया चलेगा अपना टू से, देखो ये y वैल्यू कितनी है थ्री है, ठीक है। अब वो एरिया चलाएंगे अपन टू से थ्री, लेकिन टू से थ्री में जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो करना है वही x2 माइनस x1। अब x1 का काम कर रहा है इस बार स्ट्रेट लाइन और x2 का काम फिर से वही पैराबोला। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पैराबोला लिखते हैं y माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन, ये देखो ना बेटा x वैल्यू पैराबोला से, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा लाइन वाला x। अब लाइन वाला x हो गया 2y माइनस फोर, अरे लाइन वाला x क्या होगा बेटा 2y माइनस फोर, एक्स टू माइनस, ये देखो ना स्ट्रिप बेटा दिस एक्स माइनस दिस एक्स। अब ये वाला एक्स तो दिख ही रहा है टू वाई माइनस फोर है बस, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। और वो भी कहां से कहा टू टू थ्री, अब टू टू थ्री चलेगी स्ट्रिप, देखो टू से थ्री तक चलेगा ये स्ट्रिप, हमेशा लाइन पहले रहेगा और कर्व बाद में रहेगा बस। अब आपको ये सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स पुट करनी है। उम्मीद करता हूँ बड़े आराम से आपने ये बनाया होगा एग्जाम में, बहुत आसान था बेटा जी, ठीक है ना, बनना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते, अगला करते। अगला प्रॉब्लम है ट्रिगो का प्रॉब्लम है एक, ठीक है, और मतलब खास कुछ है नहीं उसमें। आपको गिवन है साइन ए प्लस बी
बाय साइन ए माइनस बी और वो गिवन है 4/3। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविनेंडो। अगर आप यहां कॉम्पोनेंडो डिविनेंडो अप्लाई करते हैं तो ये तो न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये हो जाएगा 4+3 और यहां आ जाएगा 4-3। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ गया अपने पास 2 sin A cos B sin A+B प्लस sin A-B 2 sin A cos B और डिनोमिनेटर में आ गया अपने पास 2 cos A sin B एंड इट्स 7। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 10A/10B तो ये बन गया अपने पास 10A/10B एंड दैट इज 7। तो यहां आ गया 10A = 7 × 10B अपने अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ये है K × 10B तो K का वैल्यू हो गया 7। सो सिंपल, उम्मीद करता हूं बनाया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक सिंपल सा मोड का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने को बोला हुआ है, तो इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि भाई एक्स और फिर ब्रैकेट में एक और एक्सप्रेशन है इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो पहला आंसर तो x = 0 ही आ गया, तो एक आंसर तो हमारा x = 0 हो गया। उसके बाद में हमारे पास जो इक्वेशन बचता है वो कुछ ऐसा है, x²+3 modx + 5 modx - 1 + 6 modx - 2 = 0। आपने कहीं भी पढ़ाई की होगी, आपने पक्के से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, आपके जो भी बुकलेट्स हैं, मॉड्यूल हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनमें ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत देखने को मिले होंगे। अब करना क्या होता है इनको, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक नंबर लाइन खींचना है और वहां पर ये जो मोड के अंदर जो भी लिखे हुए हैं, जो भी है x - 1 या x - 2 जो भी है, वो जिस x पर 0 हो रहे हैं उन्हें नंबर लाइन पर लोकेट करना होता है। तो यहां पर अपन क्या डाल देंगे, 2, 1, 0 और ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मोड ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर हम x का वैल्यू 2 से ज्यादा रखते हैं, यहां अगर इस पोर्शन को देखो तो यहां x 2 से बड़ा है, अब अगर x 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, और अगर x 2 से ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये अगर हम x 2 से बड़े लेके चलते हैं तो तीनों मोड पॉजिटिव साइन के साथ ऑपरेट होंगे बेटा। ठीक है, अगर हम 1 से 2 की बात करें तो ये वाला पॉजिटिव है, 1 से 2 में ये भी पॉजिटिव है, लेकिन 1 से 2 में वो हो गया नेगेटिव। तो अगर हम अगला केस बना के चले व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 तो 2 मोड पॉजिटिवली ऑपरेट होंगे जबकि 1 मोड नेगेटिवली ऑपरेट होगा। 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 में ये जनाब पॉजिटिव रहेंगे जबकि ये दोनों नेगेटिव, और 0 से 6 में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो यहां आपको बेसिकली 4 केस बनाने होंगे, 4 अलग अलग केस सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और वहां से आपके पास x आएंगे। तो स्टार्ट करें, तो पहला केस जैसे मैं बना के दिखाऊं यहां पर आपको, केस नंबर 1, उसमें हम रखेंगे व्हेन x < 0, मतलब इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब अगर इस वाले पोर्शन की बात की तो तीनों ही x नेगेटिव साइन, सॉरी तीनों ही मोड नेगेटिव साइन के साथ ऑपरेट होंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x²-3x - 5x + 5 - 6x + 12। नेगेटिवली ऑपरेट हुआ ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, = 0। अब अगर इसको गौर करके देखें तो ये हो गया बेटा जी आपके पास x², 11, 14 हो गया, 14x, और फिर यहां पर आ गया आपके पास 17 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां से एक्स फाइंड करना है, तो अगर यहां से देखा जाए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से आपको कोई एक्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो भी एक्स मिलेगा
वो दोनों के दोनों पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है और सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है, दोनों एक्स पॉजिटिव होंगे, जबकि हमने ऑलरेडी बोला है कि एक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो मतलब पहले केस से हमें कोई एक्स नहीं मिल रहा, मतलब अभी तक भी हमारे पास सिर्फ कितना सॉल्यूशन है, एक। लेकिन अभी एक केस ओवर हुआ है, अभी दो केस, तीन केस बाकी है। जैसे मान लो मैं अगला केस सॉल्व करके दिखाऊं, केस नंबर टू। केस नंबर टू में अगर आप गौर करके देखें तो यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिवली ऑपरेट होगा तो प्लस थ्री एक्स, ये नेगेटिवली ऑपरेट होगा तो माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, और ये भी नेगेटिवली ऑपरेट होगा तो माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 11 और इसमें से 3 निकाल दीजिए तो 8x, कितना बेटा जी माइनस 8x। उसके बाद में आपके पास अगर कांस्टेंट की बात करूं तो ये हो गया अगेन 5 प्लस 12 17 इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से अगर हम बात करें तो बी स्क्वायर हो गया बेटा इसका 64 और 4ac हो गया 68। अब 20 का माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो आप सोच के देखिए यहां से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग दो केस भी सॉल्व करने और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एकदम ही इजी सा प्रॉब्लम था, आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते, हाँ बेटा अगला प्रॉब्लम, ये आपके जो प्रॉब्लम आया वो रिलेशन से आया और सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आ गई बेटा जी। बोला है सेट आर है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, चार एलिमेंट है, ठीक है, और बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव इक्वल होते हैं बेटा जी टू द पावर n, n प्लस 1 बाय 2 माइनस टू द पावर n, n माइनस 1 बाय 2 के। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां कितने एलिमेंट्स है 4, तो n की वैल्यू 4 है, पुट कर दीजिए तो ये आ गया 2 4 5 बाय 2 माइनस 2 4 3 बाय 2 इज 2, इट्स 2 पावर 10 माइनस 2 पावर 6, 2 पावर 10 हो गया 1024 एंड 2 पावर 6 हो गया आपका 64, ये हो गया आपके पास 9, 60, सीधा फॉर्मूला बेस था। अगर आपने रिलेशन पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला देखने को जरूर मिला होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा अगला प्रॉब्लम, इसमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, बहुत इजी सा फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू गिवन है, एफ डैश एल एन टू का वैल्यू गिवन है और फिर एक इंटीग्रेशन का वैल्यू गिवन है एंड देन आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। मतलब एक तरह से आपको तीन इंफॉर्मेशन दे दी, 1, 2 एंड 3, आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है और तीन ही अननोन है, ए बी एंड सी। तो मतलब सीधा सीधा प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। आइए बनाते हैं इक्वेशंस। तो फिर सबसे पहले बोला है एफ ऑफ जीरो माइनस वन है, एफ ऑफ जीरो लिखेंगे अपन, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया जीरो और इसका वैल्यू गिवन है माइनस वन, ए और बी का फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड में बोला है एफ डैश एल एन टू फोर है, तो पहले हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए पहले एफ डैश एक्स पता करते हैं, एफ डैश एक्स लिखे तो जरा देखो बेटा ए तो एज इट इज और ई पावर टू एक्स का लिखेंगे तो टू ई पावर टू एक्स, इसके बाद बी एज इट इज ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है और यहां आ गया आपके पास सी, ठीक है। अब एफ डैश एल एन टू बोला हुआ है फोर, तो अब आप एक्स की जगह एल एन टू पुट करेंगे तो देखो बेटा जी एफ डैश एल एन टू पे बात करें अपन तो ये हो गया टू ए ई पावर टू एल एन टू प्लस बी ई पावर एल एन टू प्लस सी
और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है बेटा, 4 के। तो चलिए देखते हैं, तो ये 2 ऊपर जाएगा, e पावर ln 4 हो गया 4, तो ये हो गया आपके पास 8a, ये आपके पास सीधा सीधा 2, तो ये हो गया 2b प्लस सी इक्वल्स टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 एबीसी का, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं, ये बोल रहा है इंटीग्रेशन करना है जी, 0 टू ln 4, और किसका करना है, fx माइनस cx, तो fx माइनस cx करोगे तो यहां आएगा बेटा a e पावर 2x प्लस b e पावर x, इसका इंटीग्रेशन जिसका वैल्यू भी गिवन है 39/2। चलिए अब जरा इधर देखिए, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो गया a e पावर 2x बाय 2 b e पावर x, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से ln 4, और वैल्यू गिवन है 39/2। तो जरा सोच कर देखिए, ln 4 पुट करता हूं, ln 4 पुट करें यहां पर, तो देखो बेटा जी ये ln 4 और ये यहां से 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। अरे ये हो गया e पावर 2 ln 4, ये गया ऊपर, तो ये हो जाएगा बेटा जी आपके पास 16, तो ये हो गया 16/2, ये हो गया 8a। एक सेकंड रुको बेटा, इसको मिटा देते हैं। ओके, ln 4 पुट किया, 16 आ गया, 16/2, ये हो गया 8a, फिर ln 4 यहां पुट किया तो ये आ गया 4, और आपके पास आ गया 4b। ओके, अब 0 पुट करेंगे तो ये हो गया सीधा सीधा माइनस a बाई 2, और ये हो गया माइनस b, और ये सब किसके इक्वल है, 39/2 के। तो अब आप खुद देखिए बेटा जी, 1, 2, 3 इक्वेशन है आपके पास और 3 अननोन है। अब जब सोच के देखिए, ये a और b का इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास पहले a और b का वैल्यू आएगा, उसे यहां पुट कर दीजिएगा, c का वैल्यू हो जाएगा, आपके पास मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो सीधे सीधे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कुछ भी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। चलिए